www.facebook.com/ जे तुसी ए मर्यादा चलाओगे, ए मर्यादा सारे सिखां विच बिदत हो जाएगी, सारे सिखां दे विच ए मर्यादा प्रगट होके प्रचलित होवेगी। मृतक भय जे पढ़ै सप्रीत, कोई प्राणी मृतक हो जाए ओदे बाद ओदे नमित प्रीत नाल प्रेम नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे सहज पाठ सुनने। सब विद के सुख पाव है प्राणी, उना नू फिर सब प्रकार दे सुखां दी प्राप्ति होवेगी। जिस हित पढ़न कर है गुरबानी, ते जेदे नमित बाणी पढ़ी जाएगी ना, ओनू भी अगे सचखंड विच सुख दी प्राप्ति होवेगी। गुरबाणी दा भाव उस दी आत्मा नू भी पहुंचेगा, उत्थे ओनू भी अगे सुख दी प्राप्ति होवेगी, ओदे भी अगे परलोक दे रस्ते विच गुरबाणी सहाई होवेगी। इस फल सम जग अपरना कोई, एहो जे फल दे समान जगत विच होर कोई फल नहीं, एदे तो उच्चा होर कोई यग नहीं, एदे तो उच्चा होर कोई पुन कर्म नहीं। बड़े भाग ते प्राप्त होई, बड़े भागा करके गुरु की बाणी सुननी और गुरु की बाणी पढ़नी नसीब हुंदी है। जदों वड्डे भाग होण ते ऐसी रीते दे ऐसी मर्यादा दी तिन्हां नूं प्राप्ति हुंदी है। फर्श करायो सुंदर ठोर, सतगुरु जी ने इस तरह वचन कीता, सोहणे थां ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फर्श गलीचे विछवाए हन। दोहंदिश सिख टराव है चोर, सतगुरां दे दोहां पासिआं ते गुरु के सिख चवर चलाउंदे हन। महाराज जी सोहणे पलगे ते बैठे ने, सतगुरां दे दोहां पासे सिख चवर चुला रहे हन। खोलन करियो ग्रंथ जी तवे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे प्रकाश भाई साहिब भाई गुरदास जी ने कीते हन। कर गुरदास पाठ को सबे, महाराज जी दे चरणा विच अरदास करके आग्या लैके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पाठ भाई गुरदास जी ने सहज पाठ प्रारंभ कीते हन। इम करते दिन द्वै को बताए, खुले दवाना विच प्रकाश हुए ने सतगुरां दे। इसे तरह पाठ करदियां करदियां दो दिन बतीत हो गए हन। सुन है पाठ को नर समुदाए, जिन्नी संगत आउंदी है ओ सारी संगत भाई गुरदास जी जिथे पाठ करते ने उथे बैठ के सारे पाठ सुनते हैं। होर कोई बचन नहीं कोई वधीक करते, उथे बाणी दे प्रवाह चल रहे ने। जेड़ा आउंदा है आके दरबार विच बैठ के गुरबाणी सुनते हैं। हुते संबंधी से चल आए, जेड़े सतगुरां दे घर दे संबंधी सन, माता गंगा जी का पेका परिवार से, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੇ ਮਹਿਲ ਜਾਏ ਰੁਦਨਾਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਰਾਗ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਹ ਉਹ ਭਗਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਵੇਖ ਕੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਰਾਗ ਵਰਤਿਆ ਔਰ ਨੇਤਰ ਬਦੋ ਬਦੀ ਭਰ ਆਏ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਖਡੂਰ ਤੇ ਮੋ ਡੱਲੇ ਮੰਡਿਆਲ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮਊ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਡੱਲੇ ਤੋਂ, ਮੰਡਿਆਲੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿਕ ਬੇਅੰਤ ਨਗਰਾਂ ਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਭ ਆਏ ਨਰ ਨਾਰ ਗਨ ਰੋਦਿਤ ਸ਼ੋਕ ਵਿਸਾਲ, ਬੇਅੰਤ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਖ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ,
जिन्हां दे मना विच माता गंगा जी दे सचखंड जानते बहुत ज्यादा भारी शोक है, सब दे मना विच बड़ा भारी दुख है। चौपाई गुरमहलन मह शब्द रुदन को। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे महलां विच हालांकि साहब जी का हुक्म है किसी माई बीबी ने नहीं रोना, पर फिर भी कई माइया बीबिया बदो बदी माता गंगा जी दे गुणा नू सिमर के रोंदिया हन। पयो विशाल मेले अनगन को। बहुत बड़े मेले गणा दा विशाल इकट्ठ होया है। करह सराहन गुण समुदाय। माता गंगा जी दे समग्र गुणा नू सलौंदे हन, सलौंदे हन के माता गंगा जी विच केड़े केड़े गुण सन, किस तरह उन्हां दा मिल वर्तन सी, किस तरह दा उन्हां दा बोल चाल सी, सुभाव किस तरह दा सी, ऐसे माता गंगा जी दे गुणा नू सिमरदे हन। सिमर सिमर गणत्रे रुदनाए। माता जी दे गुणा नू सिमर सिमर के कई माइया बीबिया रो पैंदियां ने, वैराग कर दिया हन। वहर गुरु टिग बात करंते। ते जेड़े गुरु के सिख ने वो सतगुरां दे पास बैठे ने, वो बार बैठ के महाराज जी दे कोल बचन करदे हन। भगवान धीरग उचरंते। कहंदे सतगुरु जी माता गंगा जी बड़े भागवान सन, बड़े वड्डे उच्चे भाग सन माता गंगा जी दे। ਪਿਖੋਂ ਫਨਾ ਜਹਾਨ ਤਮਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਫਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰਹਿਤ ਨਿਤ ਕਹੋ ਮੁਕਾਮ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਡੱਡਾ ਡੇਰਾ ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਨਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਿਓ ਜਗ ਜਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਗਤ ਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਰਨ ਬਨਤ ਬਿਦਤ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਨ ਆਵ ਹੈ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਲੇ ਤਿਹਨ ਅਪਰ ਜੇ ਸਿਆਣੇ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਪੱਲੇ ਤ੍ਰੇਣ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਭਿਨ ਸੁਨਾਵਤ ਏਵ ਬਖਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਹਿਜ ਥਾਰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਭਰਦੇ, ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਥਾਰਥ ਕਿਹਾ, ਸੱਤ ਕਿਹਾ, ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਦ ਕਹਿ ਕਰ ਡੇਰਾ ਲਹਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਪਰ ਮਸੰਦ ਗਨ ਛੋਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਸੰਦ ਆਦਿਕ ਸਨ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਸੇਵ ਕੀਨੀ ਸਭ ਓਰੇ। ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ,
समग्र सिखा साख संबंधियां दी सेवा कीती है। सतगुर बैठत लाए दीवान, इस तरह सतगुरु जी नेता प्रति अपना दीवान सजा के बैठ दे हन। दिन प्रत आव है लोक महान, कहते बेंती लोक बेंती सिख जिन्हां जिन्हां नूं भी पता चलदा है ओ सतगुरु सच्चे पातशाह जी कोल चल के आउंदे ने, आके अपना शोक ते दुख जाहर करदे हन। दीर्घ चौकी होए दै काल, इस प्रकार महाराज सच्चे पातशाह जी दे दरबार विच दोवें समय वड्डियां चौंकियां सजदियां ने, भाव काफी समय तक सतगुरां दे दीवान सजे रहिंदे हन। सुनकर संगत मिली विशाल, बेअंत गुरु कीआं संगतां सुन सुन के इकट्ठ दे रूप च समूहां दे रूप दे विच वहीरां घत के श्री अमृतसर साहब आ रहीआं हन। इस बिद त्रौदश दिवस बिताए, दोवें समय श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ भाई गुरदास जी करदे हन और संगत बैठ के पाठ सुनदी है। महाराज छेवें पातशाह जी भी बैठ के पाठ सुनदे ने। इसे तरह 13 दिन बतीत हो गए हन। भोग ग्रंथ गुरदास है पाए, 13वें दिन भाई साहब भाई गुरदास जी ने धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दी बाणी दे भोग पाए हन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ संपूर्ण कीते ने, समाप्ति कीती है। वस्त्र विभूखन मोल बडेरे, बड़े बड़े कीमती वस्त्र गहने आदक माता गंगा जी दे नमित सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने दान कीते ने, ये मर्यादा चला रहे ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी। सिहजा दर्ब आहार उदारा, बड़ी सोहनी सिहजा बड़ा सोहना महाराज जी ने फल फ्रूट आदक बहुत सोहने वस्त्र आदक और बिस्तरा बिछोना आदक ये वस्तुआं सतगुरु जी ने भेट कीतियां हन। तोशन कीने सर्व प्रकारा, भाई साहब भाई गुरदास जी नूं सर्व प्रकार करके सर्व वस्तुआं दे करके सत्कार दिता है। उठ्यो बिरद दीनस दस्तार, बाबा बुड्ढा जी ब्रह्म ज्ञानी ओह उठे ने, उन्हां ने अपने घर वालों क्योंकि जिहड़ी सब तो पहली दस्तार हुंदी सी सतगुरां लई गुरु घर लई ओह बाबा बुड्ढा जी दे घर वालों हुंदी सी, चाहे ओह गुरता दी होवे। इस प्रकार बाबा बुड्ढा जी ने उठ के अपने घर वालों एक दस्तार महाराज छेवें पातशाह जी नूं भेट कीती है। ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਿਜ ਸਿਰ ਪਰ ਧਾਰ, ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਸਤਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਨ ਭੱਲੇ ਜਿਤਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਿੰਨੇ ਤ੍ਰੇਹਣ ਭੱਲੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਏ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ, ਦਈ ਸਭਿਨ ਜਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬੰਧੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇਹਣਾਂ ਨੇ ਭੱਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਧਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਇਹ ਦੋਏ, ਭਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਭਾਈ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਆਏ ਹਨ। ਦਾਸ ਨਾਰਾਇਣ ਤੀਸਰ ਜੋਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ। ਵਸਤਰ ਵਿਭੂਖਣ ਧਨ ਦੇ ਘਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਵਸਤੂਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕੇ ਸਨੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਮਸੰਦ ਬਿਲੰਦ, ਹੋਰ ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਮੁਖੀ ਮਸੰਦ ਹਨ, ਹੋਰ ਦੂਰੋਂ ਦਰੇਡਿਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਤ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆਵਤ ਬ੍ਰਿੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ,
जेडे मुखी मसंद ने उन्होंने भी अपने वालों दस्तारा भेट कीतियां हन। पुन गुर पंचा अमृत करवायो, कड़ा प्रसाद दियां देगां तैयार होईयां हन। कनो सबन मैं कह बरतायो, करके कड़ा प्रसाद दियां देगां सारियां संगतां विच बरताईयां ने। सब संगत ने कड़ा प्रसाद दे छांदे बड़े सत्कार अदब नाल प्राप्त कीते हन। उत्सव भयो शोक को त्यागे, इस प्रकार नाल समागमां दी समाप्ति होई है, शोक दा त्याग कीता है। नौवत बजन लगी जिम आगे, सतगुरां दे द्वारा मूहरियां फिर नौबतां वजियां हन। जिवें अगे वजदियां सन उसे तरह नौबत बजन लगी है, शोक दा सब ने त्याग कीता है। जीत के आए सकल सिधाए, सत्संगी आए सन सब आग्या लै के महाराज जी कोलों आपो अपने आसना ते आपो अपने नगरां नूं वापस मुड़न लगे हन। गोइंदवाल आद समुदाए, टल्ले तों गोइंदवाल साहब तों खडूर साहब तों मंडियाली तों बकाला साहब तों जिथों जिथों सिख आए सन सब आग्या लै के महाराज जी कोलों वापस अपने नगरां नूं मुड़े हन। कतक दिवस जब बीते फेर, खालसा जी इसे तरह जदों कुछ दिन होर बतीत हो गए, संगत आवत जात कनेर, बेअंत गुरु कियां संगतां नित सतगुरां दे दरबार च आउंदियां ने, नित गुरु कियां संगतां दर्शन करके वापस जांदियां हन। एक दिन भाई ब्रिद बखाना, इस तरह कुछ समा बीतिया ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी महाराज छेवें पातशाह जी दे कोल बैठे सन, ते बाबा बुढ़ा जी ने हाथ जोड़ के सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं बचन आख्या, बेनती कीती, रावर करने कौतक नाना, आख्या सतगुरु जी आप जी ने हुण आउण वाले समें विच नाना प्रकार दे कौतक करने हन, कई प्रकार दे रंग आप जी ने आउण वाले समें च वरतौने हन। वहर क्रिया अवलोक तुम्हारी, आप जी जड़ी बाहरी क्रिया है ना, भावा जड़ी जंगा युद्धा वाली शस्त्र धारने सिपाहियां नू रखना शिकार खेडना, आप जी दी जड़ी बाहरी क्रिया नू वेख करके, परम है लोक मिल निंद उचारी, कई लोग भरम रहे ने ते तुहाडी निंदा भी करदे ने। भाई गुरदास जी ने भी उस वेले दी शादी भरी है कि महाराज जी की बड़ी निंदा भी लोगों ने की, सतगुरां की बाहरी किरिया वेख के। बाबा बुढ़ा जी दस रहे ने महाराज जी आप जी दे बाहरी कौतकां नूं वेख के हुण आउण वाले समय च तां आप जी ने होर रंग करने ने, जंग युद्धां दे अखाड़े रचने ने, ते आप जी की ऐसी किरिया नूं वेख के कई लोग भरम रहे ने ते कई निंदा कर रहे ने। हर करने बहु जंग अखारे, आप जी ने आउण वाले समय च बड़े जंग दे अखाड़े रचने हन, मैदाने जंग दे विच आप जी ने अपने खपरे तीर चलाउणे हन। समो भयो प्राप्त इस बारे, महाराज जी हुण उह समा भी आ पहुंचिया, हुण कोई बहुता दूर नहीं है जदों आप जी ने अपनियां फौजां समेत वैरी दल नाल जूझना है, अपने खपरे तीर चला के दसां दसां दियां छातियां पाड़दियां ने। सतगुरु जी ओ समा भी हुण आउण वाला है, कोई ज्यादा दूर नहीं रहा। जहां रहैश है मुझ नीत, सतगुरु सच्चे पातशाह जी जिथे आप जी दे चरणा दे विच मेरी रहायश है, जदों दे गुरु अर्जन साहब जी अपना तन त्याग गए ने उदों तो लै के मैं इत्थे आप जी दे चरणा विच ही रह रहा, गुरु घर दे विच ही रह रहा हां। बैठियो रहत एकांत सप्रीत, सतगुरु जी जिथे मेरी रहायश है उथे मैं एकांत विच बैठा रहिंदा हां, मैनू एकांत पसंद है, ते एकांत विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी मैं आप जी दी प्रीत धारण करके बैठा रहिंदा हां। श्री गुरु रामदास के समय, जदों सतगुरु गुरु रामदास साहब जी दा समा सी, महाराज गुरु रामदास साहब जी गुरगद्दी ते बैठे सन,
सकल समाज सौंपियत हमें। उन्होंने मैनू जिन्नी गुरु घर की जमीन की सेवा सी ना, जिन्हों बाबे बुढ़े की बेड़ कहिंदे ने महाराज जी, उस इलाके की सेवा खेती करनी कराउणी फसलां दी राखी रखनी, यह सेवा जिहड़ी मेरी गुरु रामदास साहब जी ने लाई सी। धन गुरु रामदास साहब जी दे समय मैं यह सेवा करदा रहा। तौ बास मम्मी बीड मझारा, मेरा बीड दे विच ही निवास सी, उत्थे ही रह के मैं खेती करदा रहा हां। जानत सब तुम सुनियो उदारा, महाराज जी तां सारे जानदे ने ते तुसी वी भली प्रकार नाल सुनिया ही है कि गुरु रामदास साहब जी ने मैनू वो सारी बीड़ दा जिहड़ी सेवा सी खेती दी ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਹੋ ਆਇਸ ਕਰ ਹਾਂ ਤਹਿ ਬਸ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਵਾਪਸ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। जरा अधक ही मम तन ग्रास, बुढ़ेपे ने मेरे शरीर नू ग्रास लिया, भाव बहुत ज्यादा बुढ़ेपा जरा रोग मेरे तन ते आण पहुंचया है। माता गंग अब तन को त्यागियो, मैनू आग्या दियो क्योंकि महाराज जी मैं केड़ा तेगा फड़ के मैदाने जंग च लड़ना है ते तुसी तां पातशाह जी हुणे बेरसी अखाड़े करने ने ते मैं एकांत विच जा के भजन बंदगी कर लवां, मेरी सुरत शुरू विच एकांत विच रही है। ते सतगुरु जी हुण तां आप जी दे पूजनीक माता माता गंगा जी भी अपना तन त्याग गए हन। तब लो वीर रंग नहि जाग्यो, सतगुरु जी जदों तक माता गंगा जी ने तन नहीं सी त्यागना उतनी देर तक तुहानू बेरस नहीं सी जागना, हुण तां माता जी ने तन त्याग दिता है ते बस हुण बेरस दा रंग आप जी नूं जाग पैणा है, हुण बीरसी सुरती आप जी दे विच उपजत हो जानी है, प्रगट हो जानी है। होए अब विघन अनेक प्रकारे, अनेकां प्रकार दे गुरु घर दे विच विघन होने ने, भाव अनेकां प्रकार दे जंगां दे अखाड़े रचे जाने हन। कारण प्रथम शस्त्र तुम धारे, कारण करके आप जी ने अकाल तख्त दी सिरजना करके सेली टोपी दा त्याग करके अपने गात्रे मीरी पीरी दियां तेगां धारण कीतियां सन, जिस कारण करके तेगां धारियां सन महाराज जी हुण ओह कारज होण वाला है, क्योंकि कारण ते कारज दा संबंध है ना, कारण करके तेगां जिस करके धारियां सन ओह कारज हुण होण वाला संपूर्ण होण वाला है। सुन श्री गुरु ने सकल बिचारी, सुन के महाराज सच्चे पातशाह जी ने बाबा बुढ़ा जी दे बचन विचारे हन। जथा योग वृद्ध इच्छा धारी, बाबा बुढ़ा जी ने यथा योग इच्छा अपने हृदय च धारण कीती है, इन्हां दी यही इच्छा है। पूर्व भी ए वहर रहंते, साडे तों पहला भी ये बाहर ही रहिंदे सन, बाबा बुढ़ा जी उसे बीड़ दे विच रह के सेवा करदे सन। हमरे हित ठहरे हितवंते, साडे निमित ठहरे हुए सन, साडे करके इत्थे टिके हुए सन। समा युद्ध को पहुंचियो आई, हुण युद्ध दा समा पहुंच आया, युद्ध दा समा हुण नेड़े आ पहुंचया है। इम विचार आयस फरमाई, इदा विचार करके महाराज जी ने आग्या दे दित्ती है बाबा बुढ़ा जी नूं, बाबा बुढ़ा जी जिवें आप जी दी इच्छा है आप जी उसे तरह विचरो। करके चरण कमल को बंदन, महाराज सच्चे पातशाह जी नूं नमस्कार करके बार बार पिख शत्र निकंदन, बार बार वैरियां दे नाश करन वाले गुरु हरगोबिंद साहब जी दे दर्शन बाबा बुढ़ा जी करदे हन। गयो बीड को प्रथम स्थाना, उसे पहले स्थान ते जिथे बाबा बुढ़ा जी पहलों रह के सेवा करदे सन
ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਰਸ ਬ੍ਰਿਤੀ ਹਿਰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸ ਬ੍ਰਿਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤ ਵਿਸਾਲ ਚਹਿ ਸੋ ਕਰਹੀ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਜੋ ਚਾਹਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਉ ਨ ਕਰਹਿ ਧੀਰ ਔਰ ਧਰਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਾਛੇ ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਆਏ ਇੱਕ ਜਾਏ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਆਲੋਚਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਲੂਆਂ ਤੇ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਭਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੰਜੀ ਬਹਿ ਸੰਤੋਖ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾ ਲਈ, ਕੁੱਤੇ ਰੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੜਾਇਆ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਚੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਤੇਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਨੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਪਕੜ ਕੇ ਜੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਘੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਅਖਾੜੇ ਰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾ